ये जो अभी कॉस्टिंग की क्लास है किस तरीके से होगी, तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमारे क्लास का कि हर एक टॉपिक में हम कंसेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट आपको समझाएंगे, कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी साथ साथ करेंगे, एनालाइज करके डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, सो दैट ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है स्टूडेंट को कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। सो हमारी कोशिश यही बनी रहेगी कि हर एक स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो, कितनी भी डिफिकल्टी हो, बेसिक डिफिकल्टी हो, स्टूडेंट को समझना चाहिए वो कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, इन दिस इंट्रोडक्शन सेशन हमने सोचा कि एक छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कंसेप्ट जो अपने एक मेजर टॉपिक से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करें। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्मॉल बट वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग चीज क्या है, हमारे लिए जिंदगी में इसका रेलेवेंस क्या है? देखिए, जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, खुद का धंधा करते हैं, खुद का दुकान या कारोबार चलाते हैं, तो एट दैट टाइम रोजाना हमको कोई ना कोई तो डिसीजन लेना ही पड़ता है। हर दिन एक हाथ डिसीजन तो लेना है कि भाई अभी नई मशीन खरीदनी है, कौन सी वाली खरीदे, ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बदलना है, कंपटीशन आया है तो कितना कम करना, हमें कौन सी प्राइस पे धंधा करना पड़ेगा, ऑल दीस क्वेश्चंस कम अप। सप्लायर आता है हमारे सामने, साहब आप ये प्रोडक्ट क्यों बनाते हो, हमारे पास बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, हम आपको 50 रुपए में ये प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है, आप खुद क्यों बनाते हो, हमारे हिसाब से आपको तो 70 रुपये घर में गिरता ही है। अभी क्या हमने ये प्रोडक्ट बाहर से खरीदना है, क्या हमने ये प्रोडक्ट खुद बनाना है, ऐसे कितने सारे डिसीजंस हमको रोजाना लेने पड़ते हैं। नाउ ऑल दीज डिसीजंस विच वी टेक, दीज डिसीजंस आर पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टॉपिक हम पहले से बात कर रहे हैं, ये हमारा बेस है और उसमें एक स्पेशलाइज तरीका जो है डिसीजन मेकिंग का, इसको हम बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग का बेसिक मतलब ये है कि जब हमें कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन शुड बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो फालतू की इंफॉर्मेशन दी है प्रॉब्लम में, जिसका हमारे डिसीजन से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, इस इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर करें और केवल जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है बस उतनी ही इंफॉर्मेशन के बलबूते पे हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। इससे फायदा क्या होता है कि एक तो जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो इग्नोर हो जाती है, जिससे गलतियां होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। इसलिए ये रेलेवेंट कॉस्टिंग बहुत ही पावरफुल टूल है डे टू डे बिजनेस डिसीजंस के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, हमें अभी मॉनसून ब्रेक मिलने वाला है, ऑफिस से छुट्टी मिलने वाली है, क्लासेस से समझो छुट्टी मिलने वाली है और हमें छुट्टियां मनाना गोवा जाना है। अभी गोवा जाना है तो मन तो तैयार है, भाई गोवा तो जाना ही है। अभी सवाल सिर्फ है कि खर्चे का, जाना कैसे, गाड़ी से जाना है या प्लेन से जाना है। डिसीजन हमें ये नहीं लेना जाना या नहीं, जाना तो तय है, गोवा में जाके धूम मचाना ये भी तय है, सिर्फ सवाल है कौन से तरीके से जाना है। तो इसके लिए हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां जमा कर ली है कि भाई अगर हम गोवा जाते हैं तो हमारे लिए होटल की कॉस्ट होती है 80 रुपीज पर नाइट। आप हंसिए मत, 80 रुपए में कुछ नहीं होता, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए लिया है, नहीं तो 80 रुपए में तो झोपड़ी भी नहीं मिलती। तो 80 रुपए पर नाइट समझो होटल की कॉस्ट है, रोज का खाने का खर्चा समझो 20 रुपए है,
सर नाश्ता भी नहीं मिलता 20 रुपए में, आप 20 रुपए में दिन का खाना बोल रहे हो। नहीं, मैं बोलता हूं कॉस्ट को इग्नोर करो, आप सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कार इंश्योरेंस आपको 100 रुपए महीना देना पड़ता है। केनल कॉस्ट फॉर योर डॉग 5 रुपए दिन का। देखिए, आपका बहुत ही प्यारा कुत्ता है मोती, मोती को आपको घर पे छोड़ के जाना पड़ेगा, आप मोती को गोवा नहीं ले जा सकते। तो यहां जो कुत्ते का घर है वहां आप कुत्ते को रखेंगे, वो रोज का 5 रुपए चार्ज लगाएंगे मोती को रखने के लिए, उसको संभालने के लिए। राउंड ट्रिप कॉस्ट फॉर पेट्रोल, पेट्रोल का खर्चा हमारा होगा 200 रुपये, और प्लेन से जाते हैं तो हमें खर्चा होगा 500 रुपये। ड्राइविंग करते गए तो गोवा को जाते जाते और आते समय टोटल 2 दिन रास्ते पे जाएंगे, यानी वहां हमारे गोवा के 2 दिन कम हो जाते हैं। प्लेन से जाते हैं तो 2 दिन पूरे मिल जाते हैं, पूरे 7 के 7 दिन वहां रह सकते हैं। अभी सवाल है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है और हमें एक डिसीजन लेना है कि क्या हम गोवा को प्लेन से जाए या गाड़ी से जाए। ये डिसीजन दोस्तों हमें लेना है, और अगर ये डिसीजन हमें लेना है तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से रेलेवेंट है हमारे डिसीजन को लेने के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मली हम समझते हैं कि भाई देखिए होटल कॉस्ट है, होटल कॉस्ट तो रेलेवेंट होगा, ऐसा एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है। खाने का कॉस्ट भी रेलेवेंट होगा, वो भी फर्स्ट इंप्रेशन आता है। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज मैं अगर प्लेन से जाता हूं तो भी मुझे होटल का खर्चा है, अगर मैं खुद की गाड़ी से जाता हूं तो भी होटल का खर्चा है। यानी किसी भी तरीके से गया तो होटल का खर्चा तो है ही। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गाड़ी से जाता हो तो 2 दिन रास्ते के होटल में रहना पड़ेगा और 5 दिन गोवा के होटल में। प्लेन से जाता हूं तो पूरे 7 दिन गोवा के होटल में ठहरूंगा, लेकिन खर्चा तो उतना ही है, 80 रुपए पर दिन। तो अगर मैं प्लेन से जाऊं या खुद की गाड़ी से, क्या यह खर्चा बदलने वाला है? आंसर है नहीं, यह खर्चा बदलने नहीं वाला। एंड इफ दिस कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, व्हाई शुड यू कंसिडर दिस फॉर डिसीजन मेकिंग? कौन सी भी हालत में कौन सा भी डिसीजन ले लो, ये कॉस्ट बदलने नहीं वाली। और अगर ये कॉस्ट बदलने नहीं वाली तो क्या ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती है? नहीं, इसके बेसिस पे डिसीजन ले ही नहीं सकते। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ होटल इज इररिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? कॉमन है, यहां भी 80 रुपए लगेंगे, वहां भी 80 रुपए लगेंगे, तो ये कॉस्ट कॉमन कॉस्ट होने के कारण इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरी कॉस्ट खाने का। आप प्लेन से जाओ या गाड़ी से जाओ, फर्क क्या पड़ता है? भूख तो रोज लगेगी, रोज तो खाना खाना ही है, तो अगर खाना खाना ही है, इट इज अगेन कॉमन कॉस्ट। दोनों हालत में हमें 20 रुपया खर्चा तो रोज का है ही। अगेन होटल के जैसा खाने का खर्चा भी कॉमन कॉस्ट है, ये भी हमारे लिए इरेलेवेंट है। कार इंश्योरेंस, व्हाट अबाउट कार इंश्योरेंस? गाड़ी हम लेके जा रहे हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस होगा 100 रुपए पर वीक। नाउ व्हेन द इंश्योरेंस इज 100 रुपीज पर वीक, एक क्वेश्चन, अगर मैं गोवा जाता ही नहीं तो भी क्या मुझे इंश्योरेंस देना पड़ेगा? जवाब आता है हाँ बिल्कुल, गोवा नहीं गए तो भी इंश्योरेंस तो है ही, गोवा गए तो भी इंश्योरेंस है ही। यानी ये कार इंश्योरेंस तो फिक्स कॉस्ट है, भले हम गोवा जाए या ना जाए, गाड़ी हमारी यहां भी रखते हैं तो भी 100 रुपये हफ्ते का इंश्योरेंस तो भरना ही है। तो कार इंश्योरेंस का खर्चा भी हमारे लिए इररिलेवेंट है, बिकॉज इट इज अ फिक्स कॉस्ट। चौथी कॉस्ट जो आ रही है सामने वो है
केनल कॉस्ट यानी कुत्ते के घर का कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या रेलेवेंट है? तो सवाल आता है, अगर हम प्लेन से जाते तो कुत्ते को पीछे रख के जाएंगे, खुद की गाड़ी से जाएंगे तो भी कुत्ते को पीछे रख के ही जाना पड़ेगा, यानी दोनों भी सिचुएशंस में कुत्ते के घर का कॉस्ट है ही, 5 रुपए दिन का खर्चा है, वो हमें करना ही है खर्चा। सो अगेन ये है कॉमन कॉस्ट, और कॉमन कॉस्ट अगेन इज इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट टोटली इररिलेवेंट कॉस्ट है। तो अभी तक 6 में से 4 इंफॉर्मेशन हमने देखे, और चारों के चारों इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल पर्सन जब डिसीजन लेता है वो क्या करता, ये सब कॉस्ट लेता और सबको जोड़ के वो डिसीजन लेता, डिसीजन उसका बराबर ही आएगा, लेकिन जो मेहनत होगी वो बढ़ेगी, दूसरा एरर होने की संभावना भी बढ़ेगी। तो बचते हैं 2 ही खर्चे केवल, और वो कौन से हैं? पेट्रोल गाड़ी का 200 रुपए, प्लेन का टिकट जो है 500 रुपए, यानी फाइनेंशियली 2 ही फैक्टर्स मुझे अफेक्ट करते हैं, पेट्रोल कॉस्ट और प्लेन का टिकट, इन दोनों के अलावा एक भी कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं। सो हमारा पूरा डिसीजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल विद द कॉस्ट ऑफ प्लेन टिकट्स। सो आप देख सकते हो कि अगर हम होटल कॉस्ट लिखते, खाने का खर्चा लिखते, केनल का खर्चा लिखते, कार इंश्योरेंस लिखते, तो हमारे ध्यान में आता ये पहले चारों खर्चे दोनों कॉलम्स में सेम टू सेम पाए जाएंगे, इनमें कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा। पेट्रोल और आपके गाड़ी का खर्चा, प्लेन का खर्चा, बस इन दो कॉस्ट के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। तो अभी आपके सामने इश्यू क्लियर है कि भाई गाड़ी से गए तो 200 में खर्चा होगा, प्लेन से गए तो 500 रुपये खर्चा होगा, क्या परवड़ता है हमें सोचना है। 300 रुपये जरूर बचेंगे गाड़ी से जाएंगे, लेकिन 2 दिन वेस्ट होंगे ट्रैवलिंग में। प्लेन से जाएंगे तो 300 रुपये खर्चा ज़्यादा है, लेकिन गोवा में 2 दिन और मौज कर सकते। तो ये डिसीजन मेकर को ही लेना है कि इज ही मोर कंफर्टेबल सेविंग 300 और नॉट। डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, यहां पे हम क्या कंसेप्ट समझना चाहते हैं कि जब हमें डिसीजन लेना है उस समय व्हाट इज रेलेवेंट, ओनली द 2 कॉस्ट। मैंने देते समय आपको 6 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए थे, लेकिन 6 में से केवल 2 इंफॉर्मेशन हमारे काम से आ गए। Therefore, this is the power of relevant costing. इतना पूरा दुकान खोल के इतना सारा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं, बस 2 पॉइंट्स अगर मैं कंपेयर करता तो मेरा डिसीजन 1 मिनट के अंदर होता। तो ये है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट जो है उसके लिए 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझने हैं। सो What are the 3 terms we are going to discuss? We shall see. कोई भी decision जब हम लेते हैं, this is true for every decision in life, सबसे पहले हम problem define करते हैं। Problem define करना मतलब क्या, समझो मैं exam में question पढ़ता हूं, problem समझना is known as define the problem. आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स कि भाई ये क्वेश्चन है मुझे समझा है, ये छुड़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना जरूरी है, क्या ऑप्शंस मेरे सामने हैं। तीसरा, हर एक ऑप्शन के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो अवेलेबल है वो आइडेंटिफाई कर ली। जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई संबंध नहीं डिसीजन से, उसको हटा दिया, और बची हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। दिस इज व्हाट यू कॉल एज डिसीजन मेकिंग। रियल लाइफ में हर दिन ऐसी तरीके से हम डिसीजन लेते, ओनली ये इतना नेचुरली होता है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज किया है।
बहुत बार हम रियल लाइफ में रेलेवेंट कॉस्टिंग यूज करते बगैर समझे, बगैर जाने कि ये कंसेप्ट हमको ऑलरेडी मालूम है। तो कहने का मतलब ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग कंसेप्ट है इज नॉट समथिंग कि भाई चांस से गिरा है, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, रोजाना यूज का कंसेप्ट है, सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर से संबंधित नहीं। आप कोई भी एक्टिविटी रियल लाइफ में करो, आपको ये कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली यूज करने को आएगा।